हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे कीमा करेले की रेसिपी जो कि बहुत ही टेस्टी बनके रेडी होती है। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल ले लिया था और करेले को 1 घंटा पहले हम नमक लगा के रख देंगे ताकि इसका सारा कड़वा पानी निकल जाए और इनको क्यूज़ कर लेंगे। जैसे कि मैंने हाथों से दबा दबा के इनको सारा पानी निकाल दिया है और इनको गोल्डन फ्राई कर लेंगे कुछ इस तरीके से। 2 बड़े प्याज ले लेंगे, इनको फाइन चॉप कर लेंगे और उसी ऑयल में हम इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे और निकाल लेंगे। कुछ खड़े गर्म मसाले ले लेंगे जैसे कि कलौंजी, जीरा, दालचीनी, जायफल, जावित्री, तेजपात का पत्ता, काली मिर्च और लौंग। इन सबको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। 1.5 चम्मच हम यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे, इसको हल्का सा भून लेंगे। हमने यहाँ पे 1/2 किलो बीफ का कीमा लिया है। उसके बाद हम 2 चम्मच इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे और हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच लेंगे, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लेंगे और यहाँ पे अचार लेंगे हम, आम का अचार 1 चम्मच। इससे ना बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। 3 विसल लगा लेंगे जब तक हमारा कीमा गल जाएगा। फिर उसके बाद जो हमारे करेले और प्याज थे जो हमने फ्राई करे थे उसको इसके अंदर ऐड कर देंगे और 1 विसल लगा लेंगे ताकि ये घुला मिला सा हो जाए, इसके अंदर सब चीज़ें पक जाए अच्छे से। फिर इसको भून के हरी मिर्च और हर धनिया से गार्निश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना।